Here's Cummins. Bowls, and it's short. Very well placed. And Stokes go for the run. Through they come. बढ़िया खेले और खूबसूरत सिंगल यहां पे पहली गेंद पे। ये बहुत दूर है, ये नो बॉल भी है और ये चार भी है। That's it from the presentation, sir. और सब लोग हमारे साथ थे आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच वगैरह। और इसके बाद दोस्तों अगला मुकाबला खेला जाना बाकी है, श्रीलंका वर्सेस दिल्ली। दोस्तों आप बने रहिएगा YSCL के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल दुगुड़ा आपके साथ बना रहूंगा। तो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
में पुल किया है फील्डर, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे और गेंद। काफी अच्छी बॉलिंग है हमारे पास, बॉलर स्पिनर थे
बैटिंग के बारे में थोड़ा सा स्लो हो गया मैं, क्या मैं इंटेंट दिखा रहा था, थोड़ा लैक ऑफ इंटेंट लगा मुझे अपनी बैटिंग में भी और अपनी टीममेट की बैटिंग में भी। एंड ऑफ द डे हम जीत गए, तो एक मैच में 50 मारा, एक मैच में 46 मारा, लैक ऑफ इंटेंट। This is the attitude we want in our players. ये बहुत बड़ी बात है और देखिए अच्छी बात है, कभी भी अपने आप से ग्रांट कहते हैं कि कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए। अब टॉप फाइव की लड़ाई है और ऑब्वियसली बात है अभी हमने पॉइंट टेबल देखा नहीं है, लेकिन शायद मे भी चांस हो सकता है कि आप कर्नाटका से भिड़े। कितने मोटिवेटेड हैं दोनों टीमें, एकदम बिल्कुल जबरदस्त टीम है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, बट जैसी हमारी टीम खेलती है मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि हम कर्नाटका को। और एक शब्द में अपनी टीम की आपको सबसे अच्छी बात और स्ट्रॉन्ग बात क्या लगती है? टीम बस सब मिलके खेलते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बैटिंग काफी नीचे आती है और बॉल नहीं डालते, लेकिन फिर भी टीम के साथ बने रहते हैं। गुड लक फॉर द फ्यूचर और बहुत शानदार खिलाड़ी है, हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज मैन ऑफ द मैच और ट्रॉफी दोनों प्रोवाइड करें आज के हमारे मैन ऑफ द मैच श्रीदेश को। क्या बात है श्रीदेश, ये होता है जैसे कहा टीम वर्क। पुराना होगा उसके बाद सीधा आने लगेगा, हम चाहेंगे कि हमारे स्कोर पे 130 या 140 के पास बने और अच्छे से हम डिफेंड कर लेंगे, जो पिछले मैच में जो गलतियां वो सुधार के साथ। गुड लक फॉर द फाइनल मैच। मेरे साथ हैं अकरम, अगर आप हमारी बैटिंग लाइन में हमसे थोड़ी बॉलिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी मजबूत है, तो हम चेंज करना पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो जो आप चाहते थे आपको मिला है और अभी आप कितने में रोकने की कोशिश करेंगे? ये बड़ी बात आपने कह दी, बिल्कुल कितने बात हो रही, थोड़ा सा ले रही है। गुड लक फॉर द मैच। ये देखिए एक बार सर के ऊपर जुड़ा कर मारा, यहाँ पर मिल जाएंगे चार रन। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद शॉट गैप में शॉट को खेला है, चार आ जाएंगे। ये हर्ष ने बिल्कुल फर्श के साथ शॉट खेला है, बाउंड्री आ जाएगी या नहीं? बिल्कुल आज ये बढ़िया शॉट है, ये पिकअप शॉट है, ये चौके वाला शॉट है। एक और यहाँ पर खतरा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा शॉट यहाँ पे कवर के ऊपर से, क्या चौका मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये हवा में बहुत ये बढ़िया शॉट कहेंगे, स्क्वायर लेग की तरफ खेला है और दो रन कर लेंगे पूरे। सर विकेट कीपिंग की आपने बात करी, आपके फिलहाल आप बाहरी किनारा और बहुत खराब फील्डिंग।
स्लोवर वन इस बार सही तरीके से जड़ा है और गेंद बाउंड। हाँ स्लोवर वन सीधा हाथों में। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत जोर से शॉट खेला है सीधा फील्डर के हाथ में। दो रन लेने का प्रयास करेंगे वहां पे, तेज गति से ये खतरा हो सकता है। नहीं, ये डॉट गेंद के साथ बढ़िया हल्के हाथ। ओम नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं, फील्डर कहाँ है फील्डर? अरे बल्लेबाज ने दोनों हाथों से तोहफा कबूल किया है। जहां एक बार फिर से उठाकर खेला है, एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर जाएगी है। इसे कहते हैं अब हवाई फायर, क्या यहाँ पे कैच कर सकते हैं? ओहो बहुत टॉस गेंद है, हवा में गेंद है, फील्डर थोड़ा दूर रह जाएंगे, यहाँ पर लैग बिफोर हो जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गेंद थी, बल्ले का सीधा शॉट है, सीधा शॉट है। चलिए दोस्तों आ गए हैं चार। ये लीजिए जयपुर के लड़ाके, जयपुर के जाबाज ये मुकाबला जीत चुके हैं और अब आपको मिलेंगे सीधा प्रेजेंटेशन में। दोस्तों बधाई हो जाए। दिमाग में चल रही थी लेकिन अभी बता दिया है। अब तालियां बजाइए उस खिलाड़ी के लिए गर्वित। आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच 3 विकेट लिए, 20 रन बनाए। पहले तो मैं याकूब जी से निवेदन करूंगा और शिवम सर से निवेदन करूंगा, उनको उनकी ट्रॉफी प्रोवाइड करें और चेक प्रोवाइड करें। प्रमोद क्या डिसाइड करेंगे? क्या बात है, टॉस जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, क्या सोचा था? नहीं कुछ नहीं, बेसिक्स में जाना है, डे का मैच है, अभी अच्छा खेल रहा है, पिछले मैच में भी ऑब्जर्व किया है, तो एज ए बैटिंग टीम का फोकस देते हैं अपने बॉलर्स को बैक करने के लिए, अच्छा टारगेट सेट करेंगे ताकि आने वाले सेमीफाइनल मैच में एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ उतरे। बॉलिंग आपने अभी तक देखी है, जिस यूनिट के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है टॉप टीम्स के हिसाब से खेल दिया, बस बैटिंग यूनिट के हिसाब से हमें जो कमजोरियाँ उन पर काम करके आए हैं और होपफुली आज एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को और एक अच्छा टारगेट हम सेट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि
पार्ट ऑफ द गेम है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। देखिए आपने बोला कि हम बैटिंग लेना चाहते हैं, लेकिन एक बॉलिंग ड्रॉस आपके हाथ में होता है, कितने बड़े बड़े कोशिश करेंगे? 120 से ज़्यादा नहीं, 120 से पहले ही उनको रोकने की कोशिश। आप खुद अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, टीम आपकी ओर से बहुत सेटल बन रही है, सेमीफाइनल में जाने के लिए कितने तैयार हैं? पूरा तैयार है, हमने 100% दिया है और आगे भी देते रहेंगे और शाम जरूर सेमीफाइनल तक जाएंगे। गुड लक फॉर द मैच। ये थे मेरे साथ दोस्तों कप्तान, न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज एबी सुपरस्टार अरविंद विन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। ये देखिए कितना बढ़िया शॉट था, बिल्कुल तीर के तरीके सीधा। ये बल्लेबाज ने गेंदबाज को आइन, ये लो कितना खूबसूरत शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये लो जितनी तारीफ की जाए शॉट की उतनी कम है। नहीं 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 नहीं, इस प्रकार के जो गेम है ना, वो बल्लेबाज को अगर आप ऐसे देंगे तो आपको बाउंड्री। देखिए उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से, चौका मिल जाएगा। तेज गति से किया हुआ गेंद गैप में और ये शायद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लीजिए हो गया फिनिश, बहुत अच्छा करते हैं। अपील है और वापस आना पड़े। नहीं, ये उमर शेद को टिकट कटा दिया उनकी वापस पवेलियन की। अरे ये माहिर है, उत्तराखंड निकल को बढ़िया गेंद आज तो भैया 150 बनाने उत्तराखंड को। भैया बैकवर्ड टच किया है गैप में, सिंगर यहां पे आ जाएगा। प्रेशर कुकर में सीटी बजाई है। कर्नाटका पहला ऑल, बहुत जल्दी अब प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और दोनों टीमों के कप्तान भी आ जाएंगे और बहुत जल्दी हम जाएंगे। आज दोस्तों एलिमिनेटर का पहला मुकाबला था, एपी सुपरस्टार्स और उत्तराखंड के बीच में बहुत शानदार मुकाबला चला और आज की विजेता रही एपी सुपरस्टार्स। और तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा उत्तराखंड के कप्तान को, उत्तराखंड के कप्तान रोहित आप हमारे बीच आए। उत्तराखंड के कप्तान, तालियां इस कप्तान के लिए, काफ़ी बढ़िया लड़े, काफ़ी बढ़िया खेले। पहले तो रोहित हार्ड लग आपके लिए और बहुत क्लोज चले गए थे 150 के बाद, बहुत शानदार शुरुआत आपकी रही, कहाँ लैग कर गए?
बस ये कि थोड़ा 150 का स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस विकेट पे तो 150 ना, क्योंकि और मेरे काफ़ी रन पड़ गए आज, तो बस यही है कि अगली बार आएंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल, देखिए होता है, आपको क्रेडिट उस टीम को भी देना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला, हेमंत ने बहुत अच्छा खेला, सब लोग ने एक समय के लिए लगा था कि यार ये बना लेंगे मैच को, लेकिन लास्ट में थोड़ा वो नर्व पे कंट्रोल शायद वहाँ मात खा गए, लेकिन ओवरऑल अपनी टीम के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी टीम थी, ऐसा कोई ब्लेटिंग नहीं है, सबने अच्छा खेला, तो हार जीत होती रहती है गेम में, परफेक्ट गेम है, तो बस अच्छा खेला तो बस विनर है। बिल्कुल, और YSCL आपको इतना बड़ा मंच देता है, अगले साल जैसे अभी राहुल सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में अब मुकाबले होने वाले हैं, अगले साल के लिए क्या विजन है आपका? बहुत बड़े लेवल टच कर रहा है YSCL, क्या कहेंगे आप? हाँ जरूर, हम इसमें एग्री करते हैं कि YSCL काफ़ी ऊँचाइयों तक जाएगा, तो हम खेलेंगे जरूर इसमें। हार्ड लक एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। तालियाँ इस खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब तालियाँ बजाइए इस खिलाड़ी के लिए, पहले तो मैन ऑफ द मैच भी है, कप्तान भी है, और भाई साहब हल्ले के साथ स्वागत करो प्रमोद का। पहले तो याकूब जी और शिवम सर आप आए, क्रिश सर आप आए, इन्हें इनका मैन ऑफ द मैच प्रोवाइड कराएं। प्रमोद, क्या शानदार आपने आज इनिंग्स के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए सर, शिवम सर आइए। जी हाँ प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम सर आपका। प्रमोद, बहुत बहुत बधाई आपको, सेमीफाइनल में आप जा चुके हैं, क्या फीलिंग है पहले वो एक्सप्रेस कीजिए आप। बहुत शानदार, क्योंकि एक क्लोज मुकाबला अगर आप जीत के जाते हैं तो ही उम्मीद करेंगे अगले मुकाबले में और बेहतरीन खेलने का, तो वैसा ही हुआ, और ज़बरदस्त क्रिकेट अपोनेंट ने दिखाई, जो शुरुआत उन्होंने अटैकिंग दिखाई, तो हमारे प्लेयर्स के लिए भी लेसन कि आप 150 करने के बाद भी रिलैक्स नहीं रह सकते, गेम को गेम के तरह लेना होगा, और फुल कंपटीशन मैच इस टूर्नामेंट का मुझे सबसे अच्छा मैच लगा, और होपफुली हमारे सामने आया तो हमें सीखने को और मिलेगा। बिल्कुल, और अपनी बारी के बारे में क्या कहेंगे, टीम ने तो आपका बहुत साथ दिया, क्या खेले आप, उस टाइम तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थक भी रहे थे, लग भी रहा था, दिख भी रहा था, लेकिन फिटनेस माशाल्लाह आपकी बहुत शानदार है, अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले दो मैच लास्ट टाइम आपको पता ही होगा, जब दूसरी बॉल पे आउट होने के बाद मैं गया था तो काफ़ी ज़्यादा निराश था, लेकिन अपने आप को बैक करना जरूरी था, मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और अगर इस बैटिंग यूनिट को चलना था तो मुझे ऊपर से लीड करना जरूरी था, और ओपनर ने जिस प्रकार मेरा साथ दिया, पीछे लेफ्टी ने आके जो हिट किया उनको मिडिल ऑर्डर में, वो भी शानदार था, और तो एज ए टीम सब ने अच्छा काम किया है, और लास्ट में फिर से वही बात आ गई कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी टीम की स्ट्रेंथ मेरे मीडियम पेसर, उन्होंने मैच लास्ट में फिर पलट दिया। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि ए कैप्टन एज गुड एज ए टीम, कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। आप देखिए, तालियां इस कप्तान के लिए इसलिए भी होनी चाहिए, बल्लेबाजी में खुद खड़े रहे लेकिन फिर भी क्रेडिट आपको दे रहा है सारा, क्योंकि वो होता है इस पूरे बंच के बारे, अभी टीम कहाँ आई, अभी तो फैमिली बन गई है ना, तो इस पूरी टीम के बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले मैच, दूसरे मैच, दोनों मैच में यही बोला था कि पहला मैच जब हम जीते मैं एज ए कॉम्बिनेशन देख रहा था, कि पहले मैच में हमें नहीं पता था कौन कहाँ बॉल डाल सकता है, क्या कर सकता है, तो दूसरे मैच में उससे अच्छी उम्मीद थी कि किसको कहाँ पे डलवाऊँ, वही हुआ, अच्छा हमने उनको 100 रन पे रोका, और आज मुझे पता था गेंदबाजों पर मुझे पूरा विश्वास था कि जो भी मैं उनको टारगेट सेट हम करेंगे वो रोकेंगे पक्का, लेकिन एज ए बैटिंग कॉन्फिडेंस आना जरूरी था, और आज वो मिला, सेमीफाइनल से पहले वो एक एक्स्ट्रा मुकाबला जो मैं आपको बोल के गया था कि हमें ये देखना है कि एक्स्ट्रा मुकाबला मिल रहा है सेमीफाइनल से पहले, तो बैटिंग भी अब कॉन्फिडेंस में आ चुकी है, तो अब बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ सेमीफाइनल में जबरदस्त गेम खेलने के लिए हम जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन आप करते हैं प्रमोद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सेमीफाइनल के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे मेरे साथ आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्रमोद, जिन्होंने 79 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी करी। दोस्तों कल दोनों सेमीफाइनल होने वाले हैं YSCL के इस मंच पे, दोस्तों आपको बहुत जल्दी कल मिलेंगे, तब तक आप YSCL के साथ बने रहिएगा, धन्यवाद।